हेलो इंडिया, वेलकम टू हेल्थ परफॉर्म एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल। आज हम बात करेंगे द किंग ऑफ ऑल लिफ्ट्स व्हिच इज कॉल्ड डेडलिफ्ट की। हम लोग देखते हैं बहुत लोग जिम में डेडलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग वाकई में इंजरी प्रोन उनकी पोस्चर्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पहले ही दिन से या पहले ही अपनी ट्रेनिंग से बहुत हैवी उठाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपनी लिफ्ट्स को प्रॉपरली और सेफली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं हमारे डेडलिफ्ट में, उसमें से सबसे पहली मिस्टेक है कि बार को बॉडी के बहुत दूर से उठाना। सो आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस। इरफान, मैं अपने बहुत अच्छे ट्रेनी इरफान को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है सामने। सबसे पहली मिस्टेक, बार को शिन से बहुत दूर से उठाना। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपकी लोअर बैक पे एक्सेस लोड, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है उस केस में कभी भी सीधी नहीं रह सकती और आपके शोल्डर रिट्रैक्शन, आई टेल यू हाउ द शोल्डर रिट्रैक्शन हैपेंस, वो कभी भी शोल्डर रिट्रैक्शन आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इरफान एक बार बताइए। सो अभी आप देखिए इरफान लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार को, तो बार का और शिन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजह से इनकी बैक जो है वो लिटिल बिट राउंडेड है, ठीक है, और इनके शोल्डर जो है वो डाउन है, राइट। तो अभी अगर ये उठाएंगे आप देखेंगे इनका जो हिप है वो पहले उठ जाएगा और बाद में बॉडी आएगी। देखिए डाउन। इस केस में क्या होता है, ये एक 70 केजी वेट है जो कि कंपैरेटिवली इजी है उठाना किसी भी एक नए या पुराने बंदे के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसको बियर करने में लोअर बैक को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और इस वजह से जो हिप सेक्शन है आपका वो पहले उठ जाता है और लोअर बैक पे एक्सेस लोड आ जाता है। इसका सही तरीका क्या है भाई? बार जो है आपके मिड फुट पे होनी चाहिए हमेशा। सो द बार शुड ऑलवेज बी इन द मिड फुट। सो ये आपका पूरा फुट है, आप मान के चलिए जहां पर आप अपने शूज के लेसेस बांधते हैं वहां पर आपका जो है बार रहना चाहिए, ठीक है। इरफान नीचे जाओ। सो इट शुड नॉट टच, एक्चुअली बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए और आपके मिड फुट पे ये रहना चाहिए, प्लस आपका चेस्ट आउट, शोल्डर रिट्रैक्टेड, ट्राइसेप फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स ट्राइसेप विल लीड टू द स्ट्रेट आर्म। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ पुल ओनली, डेडलिफ्ट इज नॉट ओनली पुल, इट इज ऑल्सो अ पुश। सो यू ऑलवेज हैव टू पुश फ्रॉम द ग्राउंड, सो विच इज कॉल्ड द लेग ड्राइव। तो जब तक आप अपनी लेग ड्राइव अच्छी नहीं करेंगे आपके हाथ उतना लोड नहीं उठा पाएंगे। लिफ्ट इरफान, सी दिस, दिस इज द आइडियल वे। डू वन मोर रैप, वेरी गुड, डन। सो अगर हम इस पहली मिस्टेक को अच्छा कर लें तो आप देखेंगे कि हमारा हेड टू टो जो पॉस्चर है वो एक यूनिट की तरह काम करेगा, जो कि हमारा है बार शुड बी क्लोज टू द बॉडी, सेकेंडली द शोल्डर शुड बी रिट्रैक्टेड एंड योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, राइट। सो द लेग ड्राइव विल कम आउट टू बी द मैक्सिमम इन दिस पोजिशन। सो दूसरी मिस्टेक उसके बारे में बात करते हैं। मैं काम करता हूँ आपको ना पहले दूसरी मिस्टेक दिखा देता हूँ, आप लोगों को खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप एक्चुअल में क्या मिस्टेक करते हैं। डाउन, आपको शायद समझ में आ गया होगा। सो इरफान ने अभी क्या किया, इरफान ने अभी अपना जो एल्बोस था एल्बोस को फ्लेक्स करके और फिर लिफ्ट करने की कोशिश करी। इसके दो ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक ये कि अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो कभी भी इस जर्क के थ्रू आपकी जो है ग्रिप फिसल सकती है और आपकी बार नीचे रह जाएगी, आप ऊपर आ जाओगे। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि इट इज वेरी इंजरी प्रोन। इंजरी प्रोन क्यों है, जैसे ही हमारे इस जॉइंट पे जर्क लगता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम आने की जो संभावना होती है वो ये होती है कि हमारा जो बाइसेप्स टेंडन है वो हैवी लोड में कभी भी बाहर आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस तरीके की कोई भी डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको कोशिश करें कि इस पॉस्चर को डेफिनेटली चेंज करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंजरी प्रोन है। द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट,
And yes, please flex your tricep. आप अगर लॉक करके नहीं उठाओगे तो आपको इंजरी के चांसेस आर्म्स में बहुत ज्यादा, आर्म्स और शोल्डर दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं. लिफ्ट, वेरी डन. अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक पे. हमने पहली मिस्टेक भी रेक्टिफाई कर ली, दूसरी मिस्टेक भी रेक्टिफाई कर ली, लेकिन जब हम अपनी लिफ्ट खत्म करते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, विच इज कॉल्ड द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ योर बैक. आई विल शो यू हाउ. सब अच्छा है, मिड फुट पे बार है, चेस्ट आउट है, ट्राइसेप फ्लेक्स्ड है, लिफ्ट. उसके बाद जब आप ऊपर गए तो आपने बैक को हाइपर एक्सटेंड कर लिया, सो विच इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड डेडलिफ्ट डाउन. जब भी हम ऊपर आते हैं सो वी ऑलवेज हैव टू यूज अवर ग्लूट्स टू लॉक द लिफ्ट. सो व्हेन वी कम अप, सो व्हेनेवर वी कम अप, सो वी लिफ्ट एंड लॉक इट हेयर. इफ वी डू हेयर इट विल गिव एक्सेस एंड अनवांटेड लोड टू अवर लोअर बैक विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो up and close, squeeze your glutes and lock them with straight knees. Mistakes वैसे काफी सारी होती हैं, लेकिन अगर ये तीन major mistakes को आपने अपनी deadlift में complete कर लिया तो आपकी deadlift definitely ही बढ़ेगी. आपके joints पे और आपकी unwanted muscle group पे load नहीं पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर strength ज्यादा better हो रही है.